भारत को इतिहास में पहली बार मिली G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया ने अगले एक साल के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। भारत के बाद यह अध्यक्षता ब्राजील को मिल जाएगी। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक इनफॉर्मल ग्रुप है। G20 समिट में इसके लीडर हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसका गठन साल 1999 में हुआ था। G20 के गठन का सबसे मुख्य कारण यह था कि साल 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव हुए और इसे टॉप लीडर्स की ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इसके बाद यह डिक्लेयर किया गया कि साल में एक बार G20 नेशंस के लीडर्स के बीच में बैठक की जाएगी। साल 2008 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। वही G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। G20 फोरम का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। यह हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें शामिल सभी देशों की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% है। G20 का संगठन साथ में आर्थिक ढांचे पर तो काम करता ही है, साथ ही आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत करता है। इसके केंद्र में आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर और बरकरार रखें होता है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को भी ध्यान में रखता है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको जरूर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।